Hello students, today we are going to study lesson number 2. Can you fly? Can you fly का हिंदी मीनिंग होता है क्या आप उड़ सकते हैं. Once there was a donkey, एक donkey था. He was very lazy. वो बहुत आलसी था. Lazy means क्या होता है, आलसी. He मतलब वह, was था, very बहुत, वह बहुत आलसी था. One day, एक दिन, he, उसने looked up, ऊपर देखा, at the sky, यानी के आकाश में, sky means आकाश, उसने एक दिन आकाश में ऊपर देखा, and, और, saw, देखा, the birds, और उसने क्या देखा, ऊपर देखते हुए, birds को देखा, they were flying, they, वे, were, थे, और flying मतलब, उड़ना, उड़ रहे थे, तो वे उड़ रहे थे. ही थॉट, उसने सोचा. थॉट का मतलब क्या होता है, सोचा. उसने सोचा, दोज बर्ड्स आर वेरी हैप्पी, वो बर्ड्स वेरी हैप्पी है, मीन्स बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है. दे डोंट हैव एनी वर्क, उनके पास कोई काम नहीं है. एनी मतलब कोई भी, वर्क काम. They don't have, उनके पास नहीं है. क्या नहीं है उनके पास, उनके पास कोई काम नहीं है. उसने ऊपर आकाश में देखा और उसने सोचा कि ये बर्ड्स कितने फ्री हैं, कितने खुश हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है. They can fly with their wings, they can fly, वे उड़ सकते हैं. किससे उड़ सकते हैं, with their wings. Wings का मीनिंग होता है पंख, जिसे बर्ड्स को उड़ने के लिए जो पंख होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं विंग्स. ठीक है, तो दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकते हैं, विद देयर विंग्स यानी कि उनके पंख से वे उड़ सकते हैं. आई वॉन्ट टू फ्लाई टू, आई वॉन्ट टू, मैं भी चाहता हूँ. क्या करना चाहता हूँ, फ्लाई यानी कि उड़ना, मैं भी उड़ना चाहता हूँ. देखिए भी, ये जो टी डब्ल ओ टू होता है ना, इसका मीनिंग होता है भी, मैं भी, है ना. आई वॉन्ट टू फ्लाई टू, मैं भी उड़ना चाहता हूँ. ओके, सो इसीलिए He made two wings. Two wings का मतलब होता है दो पंख, और made मतलब बनाए, और he मतलब उसने, और so इसीलिए, इसीलिए उसने दो पंख बनाए. He put on the wings. Put on, put on का मतलब पहनना. Put on means क्या होता है, पहनना. Okay, तो he put on the wings, उसने wings पहने यानी कि पंख पहने. Climbed, चढ़ा वो, कहाँ चढ़ा, ऑन द रूफ यानी के छत पर चढ़ा. ऑफ अ हाउस यानी के घर की छत पर वो चढ़ा. क्लाइम मीन्स क्या होता है, चढ़ना. एंड जम्प्ड, और उसने क्या कर दिया, जम्प कर दिया, नीचे कूद गया. ही ट्राइड टू फ्लाई, ही ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की. क्या करने की कोशिश की, टू फ्लाई यानी के उड़ने की, उसने उड़ने की कोशिश की. बट लेकिन ही फेल डाउन, ही फेल डाउन का मीनिंग होता है वो गिर गया, नीचे गिर गया. फेल मतलब क्या होता है, गिर गया. फेल डाउन, गिर गया. कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया. एंड ब्रोक हीज लेग्स, ब्रोक मतलब तोड़ दिया, उसने अपने आप को, अपने लेग्स को क्या कर दिया, तोड़ लिया. बट ही फेल डाउन एंड ब्रोक हीज लेग्स, वो नीचे गिर गया एंड उसके लेग्स को उसने क्या करा, तोड़ दिया. कैन मैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, देखिए जो कैन है ना, ये बार बार यहाँ पर यूज़ हो रहा है. कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकता हूँ या सकते हैं. किसी सेंटेंस में यदि सकता हूँ सकते हैं आता है, उसका इंग्लिश हम किसकी हेल्प से करते हैं, कैन की हेल्प से. जैसे मुझे कहना हो मैं पानी पी सकता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई कैन ड्रिंक वाटर. मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई कैन गो टू स्कूल. ओके, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है. ठीक है, तो देखते हैं, कैन मैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, क्या मैन जो होता है यानी कि इंसान होता है, वो बर्ड्स के जैसे फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है. नो दे कांट, नहीं वे नहीं उड़ सकते. बट परंतु, लेकिन, अ मैन कैन सिट इन एन एरोप्लेन एंड फ्लाई, लेकिन जो मैन है वो क्या कर सकते हैं, वो एरोप्लेन में बैठ सकते हैं और उड़ सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली इंसान नहीं उड़ सकता, लेकिन एरोप्लेन में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं ना.
एन एरोप्लेन इज लाइक अ बर्ड, एन एरोप्लेन इज का हिंदी मीनिंग है, लाइक अ बर्ड यानी कि बर्ड जैसे, पक्षी जैसे ही एरोप्लेन है। बर्ड्स पक्षी कैन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव देयर टेल्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड दे कैन ऑल्सो मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन। अब बर्ड्स कैन मूव देयर टेल्स, बर्ड्स अपनी जो टेल्स होती है यानी कि पूंछ होती है उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर यानी कि एक साइड से दूसरी साइड। एंड दे कैन ऑल्सो मूव देयर विंग्स अप, और वे उनके जो विंग्स होते हैं, विंग्स मीन्स पंख होते हैं, उनको भी मूव कर सकते हैं, कैसे, अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे उनके विंग्स को भी वे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एन एरोप्लेन हैज़ टू विंग्स एंड अ टेल, एरोप्लेन के भी दो विंग्स होते हैं यानी कि दो पंख होते हैं, एंड अ टेल यानी कि एक पूंछ होती है, टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ। ओके, आप सभी बच्चों को एक या दो बार ये वीडियो को देखकर और सारे वर्ड्स को याद भी करना है और पूरा लेक्चर जो है, पूरा लेसन जो है आपको रीड करते हुए भी आना चाहिए। इट कैन मूव इट्स टेल बट इट कैन नॉट मूव इट्स विंग्स। अब एरोप्लेन में क्या है, इट कैन मूव इट्स टेल, वो अपनी पूंछ को हिला सकता है, बट इट कैन नॉट मूव इट्स विंग्स, लेकिन वो अपने पंख को नहीं हिला सकता। नाउ सम एरोप्लेन्स आर बिग, सम यानी कि कुछ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन आर है, बिग बड़े, कुछ एरोप्लेन्स बड़े हैं, एंड और सम आर स्मॉल, और कुछ कैसे होते हैं, आर है स्मॉल मतलब छोटे, कुछ छोटे होते हैं। बिग एरोप्लेन्स यानी कि बड़े एरोप्लेन्स रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम का मीनिंग होता है बहुत कम समय में जो बिग एरोप्लेन्स होते हैं रीच करते हैं यानी कि पहुंचते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, फ्रॉम वन प्लेस यानी कि एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में पहुंचते हैं। स्मॉल एरोप्लेन्स यानी कि छोटे एरोप्लेन्स हैव ओनली, उनकी होती है, क्या होती है छोटे एरोप्लेन्स की, क्या होती है, वन और टू एंजिन्स। छोटे एरोप्लेन्स में केवल एक और दो ही एंजिन्स होते हैं, एंड दे डोंट ट्रैवल वेरी फास्ट, और इसीलिए दे डोंट वे ट्रैवल नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, वेरी फास्ट यानी कि बहुत फास्ट वे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर केवल एक या दो ही इंजन्स होते हैं। इंजन सम एरोप्लेन्स यानी कि कुछ एरोप्लेन्स हैव, होती है उनकी, क्या होती है, सीट्स यानी कि सीट होती है किसके लिए, 400 और 150 पैसेंजर्स। कुछ एरोप्लेन्स में कितनी सीटें होती है, 100 और 150 यानी कि 150 पैसेंजर के लिए सीट होती है। एंड बिग एरोप्लेन्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े एरोप्लेन्स जो होते हैं वो कैरी कर सकते हैं, वो ले जा सकते हैं, कितने लोगों को ले जा सकते हैं, 400 to 500 people यानी कि 400 से 500 लोगों को वो बिठा कर ले जा सकते हैं उड़ा। एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ एट एयरपोर्ट्स, देखिए एरोप्लेन जब आकाश में से धरती पर आता है ना, धरती पर उतरता है तो उसको हम बोलते हैं लैंड, और एरोप्लेन जब धरती पर से आकाश में उड़ने की कोशिश करता है यानी कि आकाश में उड़ता है उसको बोलते हैं हम टेक ऑफ। ठीक है, जैसे एरोप्लेन मान लीजिए एरोप्लेन है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में से जब उतरता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड बोलेंगे कि एरोप्लेन इज़ लैंडिंग। लेकिन जब ये रोड पर से एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है इसको क्या बोलते हैं हम, टेक ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। ओके, तो एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ एट एयरपोर्ट्स, एरोप्लेन जो होते हैं वो एयरपोर्ट पर क्या करते हैं, लैंड करते हैं यानी कि उतरते हैं, और टेक ऑफ करते हैं यानी कि हवा में उड़ते हैं। नाउ एन एरोप्लेन कैन नॉट सडनली राइज इन टू द स्काई, एरोप्लेन जो होते हैं ना वो अचानक से, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक से, राइज इन टू द स्काई यानी कि स्काई में अचानक से नहीं उड़ सकते, नहीं जा सकते। ठीक है, इट रन्स ऑन द ग्राउंड फॉर सम डिस्टेंस, सबसे पहले आकाश में उड़ने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पहले तो ग्राउंड पर ही स्पीड बनाते हैं, बहुत स्पीड बनाकर वो ग्राउंड पर
चलते हैं और उसके बाद में अचानक से फिर क्या करते हैं, हवा में टेक ऑफ करते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट रन्स ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर दौड़ते हैं फॉर सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ दूरी तक। सम मतलब कुछ और डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दूरी तक। कुछ दूरी तक वो ग्राउंड पर दौड़ते हैं एंड देन टेक्स ऑफ स्लोली, और धीरे से वो क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ करना मतलब क्या होता है, ग्राउंड पर से हवा में उड़ना शुरू करना। द पायलट फ्लाइज द एरोप्लेन। अब एरोप्लेन को कौन कौन उड़ाता है, पायलट उड़ाता है। कौन उड़ाता है, पायलट। ही फ्लाइज इट फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर। ही फ्लाइज, वो उड़ाता है किसको, एरोप्लेन को। वो एरोप्लेन को कैसे उड़ाता है, फ्रॉम वन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट से, टू अनदर, अनदर मतलब दूसरे, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक वो प्लेन को उड़ाता है। देयर आर बिग एयरपोर्ट्स इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड मैनी मोर आर कमिंग अप। देयर आर बिग एयरपोर्ट्स, यानी कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स क्या होता है, जहाँ पर प्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब जगह पर एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं एंड मैनी मोर आर कमिंग अप, और दूसरे बहुत सारे जो हैं वो बनते जा रहे हैं। कमिंग अप मतलब क्या है, आ रहे हैं या बन रहे हैं। फ्रॉम दिस एयरपोर्ट्स, इस इन एयरपोर्ट से प्लेन्स यानी कि एरोप्लेन्स टेक ऑफ फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। वो इन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं यानी कि उड़ते हैं, किसके लिए, फॉर अदर, अदर मीन्स दूसरी, कंट्रीज मतलब देश, दूसरे देशों के लिए भी। ऑल्सो का मतलब भी टू जैसा होता है, ठीक है, जैसे टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, भी, वैसे ऑल्सो का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, भी। ओके, तो यहाँ से एयरपोर्ट से प्लेन जो होते हैं दूसरे देशों के लिए भी क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं यानी कि उड़ते हैं। देर आर स्मॉल एयरपोर्ट्स इन सम टाउन्स एंड प्लेन्स फ्लाई फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। देर आर यानी कि हैं, क्या है, स्मॉल एयरपोर्ट्स, छोटे एयरपोर्ट्स हैं, इन सम टाउन्स, यानी कि टाउन्स मीन्स क्या होता है, शहर। कुछ शहरों में छोटे एयरपोर्ट्स भी हैं एंड प्लेन्स, और वहाँ पर छोटे छोटे प्लेन्स हैं। वो क्या करते हैं, फ्लाई फ्रॉम, वो उड़ते हैं, कहाँ से कहाँ उड़ते हैं, वन टाउन टू अनदर, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर। अनदर मीन्स क्या होता है, दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब आपको भी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, डू यू वॉन्ट टू फ्लाई, क्या आप उड़ना चाहते हैं। वॉन्ट टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहना। ओके, और फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई मीन्स आप उड़ना चाहते हैं। यू कांट फ्लाई विथ विंग्स, आप, विंग्स मतलब पंख से, यू कांट फ्लाई यानी कि आप नहीं उड़ सकते हैं, किससे नहीं उड़ सकते, विंग से, आप पंख से नहीं उड़ सकते, बट लेकिन यू कैन बिकम अ पायलट। बिकम का मतलब होता है बनना, आप पायलट बन सकते हैं। ओके, यू कैन बिकम अ पायलट का मीनिंग होता है आप पायलट बन सकते हैं एंड और फ्लाई एन एरोप्लेन, और एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। बच्चों, इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय एंड सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स इन द चैप्टर। ओके, गुड बाय, सी यू।